नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं आप सभी और क्या कर रहे हैं, ये भी बताइएगा। देखिए मैं क्या कर रही हूँ अभी। बाबू आप भी हाय करो। हाय, नमस्ते, हाय। देखिए मेरा बाबू भी हाय कर लिया तो अच्छा। हाँ मैं देखिए क्या कर रही हूँ यहाँ पे। मैं लगा रही हूँ पैरों में महावर कलर लगा रही हूँ। तो हम लोग तो रंग ही बोलते हैं, पैरों में रंग लगा रही हूँ। और मैं रंग लगा रही थी तो यहाँ पे मेरा बच्चा भी आ गया रंग लगवाने। अच्छा, तो अभी देखिए मैंने एक पैर में लगाया, एक पैर में भी लगाया भी नहीं है मैंने। तो सबसे पहले इनको लगा देती हूँ। दिखा दीजिए बाबू का रंग, दिखा दो बेटा बाबू का कलर। आइए आप सभी पास से देख लीजिए। आइए देखिए मेरा बेटा लगाया है पैर में। आइए आ जाओ सोना। हाथ बाप, हाथ में मत लगा बेटा, हाथ में मत लगा। अभी इनको मैंने कलर लगा दिया तो ये हाथ में भी लगा रहे हो। देखो देखो मौसी नानी लोग देख रही। बोलो नानी मौसी नमस्ते करो। बोलो मौसी नमस्ते, नानी नमस्ते करो। तो मैं मेरे अब दूसरे पैर में लगा लूँ। लग गया है मेरे जो साहब है ना, इसको लग गया है। तो सबसे पहले इन्हीं का लगाना जरूरी है। मैं पीछे हूँ, पहले ये हूँ। तो इनका लग गया है, मैं भी मेरे। ए बेटा पैर मुंह में डाल रहे हो क्या? मत डालो। पापा चले गए क्या? पापा चले गए? मेरा ब्रश खो गया है कलर लगाने वाला, तो हाथ से ही मुझे याद लगाना पड़ रहा है। उसको मैं मेरे चूल्हे को ढकने जा रही हूँ, उसका इंतजाम कर रही हूँ ढकने का, क्योंकि बारिश का दिन है और आज ऐसा लग रहा है बारिश होगी, इसलिए मैं इसको ढक रही हूँ। इसको ढक दूँ नहीं तो मेरा चूल्हा टूट जाएगा बारिश से, टूट जाएगा मेरा चूल्हा। तो इसको मैंने अच्छे से उड़ा के दुल्हन बना दिया है। दुल्हन दुल्हन बन गया है मेरा चूल्हा। इसको मैंने ढक दिया है, अब ये बचा रह जाएगा। पिछले कई दिनों से हमारा बेड खराब हो गया था, उसे ठीक करवाना था। तो फाइनली आज हमारा ये काम होने वाला है। मतलब बेड बाहर निकाल दिया गया, देख सकते हैं आप सभी, रूम खाली किया गया है और इधर सारे कपड़े वगैरह मैंने निकाल करके रखे हैं। तो बाहर जो बनाने वाले हैं वो ठीक कर रहे हैं बेड को। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ छत पे और मेरा मुंह कैसा लग रहा है ये देखिए, छाले पड़ गए यहाँ। ये तो कम है, गेहूँ अभी मैं इकट्ठे कर रही थी वही हाथ में लगा है, और यहाँ वाले ज़्यादा है ये, और यहाँ पे एक दाने निकल आए हैं। तो मेरे मुंह की उड़ चुकी है धज्जियाँ। अभी मैंने सोचा था मेकअप का वीडियो करूँगी, तो मेकअप का वीडियो करने से पहले मेरा मुंह ही बिगड़ गया है। अग्नि देवता पता नहीं क्यों नाराज़ थे मुझ पर। कल शाम को भी मेरे हाथों में जली थी, लेकिन झाला वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा, ये ठीक है। और सुबह मुँह में जला दिया उन्होंने मुझे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरी प्रेस को साफ़ करने के लिए। लाइट नहीं है तो मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ फ्रिज को। और वैसे भी अगर लाइट अभी गई तो मैं निकलवा लूँगी अभी इसके पापा से, इसका जो प्लग है वो निकलवा के रख दूँगी, क्योंकि मैं लाइट वगैरह की चीज़ें छूती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। तो हमेशा यही लाइट का जो भी काम होता है यही करते हैं। और मुझे एक बार लाइट मतलब प्रेस से इस्त्री से मुझे लाइट लग गई थी, मेरे हाथ में करंट लग गई थी। बहुत पहले की बात है, जिस टाइम पे माही मेरी छोटी थी उस टाइम की बात है। तो प्रेग्नेंट थी तब मैं, माही थी मेरे पेट में, उस टाइम पे मुझे लाइट मार दी थी, मेरे हाथों में चिपक गया था प्रेस। तो मुझसे बहुत डर लगता प्रेगनेंसी की हालत में, उस टाइम पे मुझसे जब करंट लग गई थी
तब मतलब उस समय समझ सकते हैं आपकी एक तो ऐसे ही हालत खराब रहती, दूसरा करंट लग गया तो मुझे कैसा लगा होगा। लेकिन माही के पापा को भी मैंने उतना मतलब उस तरीके से मैंने नहीं बताया जैसे मुझे करंट लग गया था, वैसे मैंने बताया ही नहीं किसी को कि मुझे मतलब तेजी से करंट लगा, जबकि मेरी गदोरी में मेरी हथेलियों में प्रेस आके चिपक गया था। मैं गिरी तो मेरे सीने पे प्रेस गिरा उल्टा और फिर प्लग निकल गया था अपने आप जब मैं गिरी तो उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं कभी भी लाइट वगैरह की चीज़ें छूती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इनसे निकलवा लेती हूँ जो भी करना रहता है। और फ्रिज में मैंने बॉटल रखे थे, दूध रखी थी, जो भी सामान रखे थे वो मैंने निकाल करके किचन में रख दिया है। तब मैं साफ़ करने बैठी हूँ और कुछ मेरे बॉटल खाली पड़े थे तो मैंने कहा कि अभी पहले मैं फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ फिर उसके बाद ही बॉटल को भरूँगी। और मेरी वीडियो में पिछली वीडियो में इतने निगेटिव कमेंट आ रहे हैं, इतने निगेटिव कमेंट आ रहे हैं, मतलब मैं परेशान हूँ यार, मुझे मत परेशान करिए आप लोग, तो मैं पहले से दुखी हूँ, मेरा मेरी आत्मा दुखी है, मैं अंदर से रो रही हूँ, आप लोग और ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो। तो देखिए जो कुछ लोगों का जो बातें हैं वो मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों की बातें ऐसी ना सीधा जाके मेरे दिल में घाव कर देती है। कहते हैं ना कि जो बाहर के घाव होते हैं उसे तो हम मलहम लगा के ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर के घाव होते हैं वो नहीं ठीक होते। तो मैं अंदर से अभी दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं बता नहीं सकती मेरे हालात क्या हैं अभी, किस तरह से मैं मेरे चार चार बच्चों को पाल रही हूँ, कैसे मैं मेरा घर चला रही हूँ, कैसे मेरा गुजारा कर रही हूँ चार चार बच्चों को ले करके, कैसी मेरी चल रही है गृहस्थी, कैसे चल रही है, मैं ये सारी बातें मैं जाकर भी नहीं बता सकती हूँ। कुछ कुछ बातें होती है जो हम नहीं बता सकते हैं। तो आप लोग ऐसा कमेंट तो मत कीजिए, कुछ भी होता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ बच्चे नहीं है घर पे, बना के ऐसा खा लेती हो अकेले अकेले, ठूस लेती हो, मतलब कमेंट करने का भी कोई एक तरीका होता है। और फटे पुराने बच्चों को कपड़े पहनाती हो, कैसे कपड़े खुद पहनती हो। अभी तक तो चलो मेरे घर को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, लेकिन अब तो मेरे बच्चों के कपड़े और हमारे खाने पर भी कमेंट आने लग गए हैं। तो दोस्तों अभी दोपहर के बज गए हैं 12, फ्रिज मैंने साफ़ करके अच्छी तरीके से चालू कर दिया है, एकदम से क्लीन हो गया है, चूल्हे को भी मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। और अभी 12 बजने वाले हैं, बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे और मेरी हालत कैसी होगी। बिंदी तो बाबू रहने नहीं देता है, निकाल लेता है, और ईयरिंग्स थोड़े से बड़े थे तो मैंने निकाल दिए उन्हें। तो अभी आप सभी से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, देखती हूँ बच्चे आने वाले होंगे, बस अब मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए, फिर उसके बाद ही आप सभी से मिलूंगी। तो दोस्तों आज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, मिलूंगी आप सभी को अपने कल के नए व्लॉग में, जिस दिन मैं जल गई थी आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने आगे व्लॉग में देखा होगा, यहाँ यहाँ पे मेरे छींटे पड़े थे तो वो अभी ठीक हो चुके हैं। जलने के बाद 3-4 दिन तक मैंने व्लॉग ही नहीं शुरू किया, हाँ क्योंकि मेरे पास व्लॉग थे तो मेरा मन ही नहीं किया व्लॉग शूट करने का, तो इसलिए आप सबों ने देखा होगा कि अभी मेरा ठीक हो चुका है। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी को कल के नए व्लॉग में, थैंक यू, बाय बाय। छत पे हैं ये बाबू, बाय करो बाय। इसको ना पेल्सन चाहिए और रेड लेजर चाहिए, ये अपनी दीदी को तंग कर रहा है।